ऋषि में और कवि में फर्क होता है माताओं, ध्यान से समझना। कवि कल्पना के आधार पर अपने मनोरंजन के लिए, टाइम पासिंग के लिए, खाली होने के लिए लिखता है। कुछ आया, खाली होना है, ये है कवि। साहित्य के चार अंग है। छोड़ो पांडित्य की ओर, मैं आपको नहीं ले जाना चाहूंगी, परंतु बात निकली तो कह दूं कि भाव, शैली, बुद्धि और कल्पना। साहित्य के कितने अंग हैं? भाव, शैली, बुद्धि और कल्पना। एक तो भाव, दूसरा शैली। शैली इतनी अच्छी होती है कुछ लोगों की, कवि उभर आता है। बुद्धि और कल्पना। परंतु मैं कहूँगी कि ये चारों तत्व ऋषि की वाणी में भी होता है और कवि की वाणी में भी होता है। परंतु एक बात याद रहे, ऋषि कवि हो सकता है, लेकिन हर कवि ऋषि नहीं हो सकता। घणा बधा एवा थई गया छे गुजरातमां ने गुजरातनी बहार, मुशायराओ डोलावे, लेकिन जब तक पीता नहीं है ना शराब, ठूसता नहीं है, तब तक बोल सकता नहीं और लिख सकता नहीं। तो वह सब तो नशे में से उतरा, अंतर का नशा तो था ही नहीं, परमात्मा का नशा तो कभी था ही नहीं। शराब की बोतल उसे देखकर नाचने लगता था, पीने लगता था और बाद में शब्द उतरते थे। मैं तो कहती हूँ नशा शराब नहीं है, नशा मनुष्य के भीतर है अथवा तो मन में पड़ा है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। छोड़ो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि और कवि में क्या फर्क है। वाह वाह तो ऋषि की भी दुनिया करते हैं और मुशायरे में वाह 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 वाह, इरशाद इरशाद, दोबारा दोबारा कवियों के लिए भी होता है। लेकिन कवि के पास कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है। भाव जगत भी हो सकता है, बुद्धि जगत भी हो सकता है, शैली भी अच्छी हो सकती है। साहित्य के चारों अंग का पूर्ण रूप से भले निर्वाह करता हो, परंतु सत्य का अनुभव होना संभव हर कवि में नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सत्य में से गुजरा हो। और ऋषि किसे कहेंगे? समय के आर पार जो देख सकता हो वह ऋषि। आर्ष दृष्टा, ऋषि का अर्थ है आर्ष दृष्टा, समय के आर पार। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होने वाला है। और प्री प्लान्ड उसका साहित्य में इतनी सुंदर आध्यात्मिक योजना समाज को देता है कि अगर आप इस तरह से जीना, सोचना, समझना शुरू करेंगे तो बच सकते हैं। यह है ऋषि। भाइयों, माताओं, ऋषि की वाणी केवल भाव, शैली, बुद्धि और कल्पना पर नहीं खड़ी होती है। एक पांचवा तत्व आता है उसमें, और उस तत्व का नाम है सत्य। भाव जगत गलत नहीं है, परंतु दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हो सकता है कि भावनाएं आवेश में आकर गलत निर्णय भी ले सकती है, परंतु सत्य कभी गलत निर्णय नहीं लेता। समझना इस बात को बेटा, सत्य। अंतर की आंखें खोल, ऋषि की अंतर की आंखें खुली हुई होती है, कवि की आंखें खुली हुई हो अंतर की जरूरी नहीं है।